Namaste dear students and welcome to sandeepmanuthane.org. आप देख रहे हैं हमारी सीरीज द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर्स ऑफ हिस्ट्री. रूह कांप जाए, ऐसे लोग हैं भाई इसमें, इतिहास के भीमकाय तानाशाह. एनी गेसेस, आज हम किन के बारे में बात करेंगे? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जोसेफ विस्सारी योनोविच स्टालिन. सोवियत संघ में थर थर कांपते थे भाई साहब इनके नाम से लोग, जोसेफ विस्सारी योनोविच स्टालिन. मजे की बात, जोसेफ स्टालिन साहब जो पैदा हुए थे उनका नाम था जोसेफ जुगैशविली, और ये 1878 में जन्मे, 1878, एंड ही डाइड ऑफ अ सेरिब्रल हेमरेज एट द एज ऑफ 74 इन 1953, एंड हिज डेथ ऑल्सो बिकेम एक्सट्रीमली सस्पेक्ट बिकॉज कहा गया कि उन्हीं के खास आदमी, राइट हैंड मैन लेवरेंटाई बेरिया ने उनको मारा, और वो कंट्रोवर्सी काफ़ी समय तक रही. तो जोसेफ विस्सारी योनोविच स्टालिन वॉज द बिगेस्ट डिक्टेटर ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक इन द 20th सेंचुरी. 20वीं सदी के साम्यवादी गुट के सबसे बड़े डिक्टेटर थे. लाखों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किल्ड मिलियंस इन द वेरियस फेमिन्स दैट हैपेंड अक्रॉस सोवियत यूनियन, द वर्स्ट बीइंग द यूक्रेनियन फेमिन. साथियों, ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट डिक्टेटर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्टेटर्स, वन ऑफ द ब्लड थर्स्टीएस्ट डिक्टेटर्स सो टू से ऑफ द 20th सेंचुरी. हमने बात की चंगेज खान साहब की, हमने बात की एडोल्फ हिटलर की, और जोसेफ स्टालिन बिल्कुल इसी कैटेगरी के व्यक्ति जान पड़ते हैं. ही रूल्ड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, अर्थात सोवियत संघ पर उनका जो शासन था, सत्ता थी. ही रूल्ड USSR आफ्टर लेनिन्स डेथ. जी हाँ, Vladimir Lenin, who had actually been instrumental behind creating the whole communist movement in Soviet Union. In fact, in Russia, the Imperial Russia of Nicholas Romanov. Or 1929 से 1953 तक, जब तक स्टालिन की मौत नहीं हो गई, स्टालिन साहब ने सोवियत संघ पर एक छत्र साम्राज्य और अपना कंट्रोल रखा. कोई इनके सामने चैलेंजर बन ही नहीं पाया. इनकी मृत्यु के बाद ही यू हैड हिज सक्सेसर निकिता ख्रुश्चेव कमिंग इन and immediately denouncing Stalin and starting a process of destalinization in Soviet Union. Of in 91 mein collapse ho gaya after Mikhail Gorbachev's open acceptance ki humne kya kya blunder kiye the. The most feared man of USSR ruled by terror and death. Agar aap itihas ki kitabein dekhenge sathiyon, Joseph Stalin ke bare mein ek baat satya hai ki wo bhay aur mrityu in do hathiyaron ke dam par shasan karte the. बॉर्न इन 1878, जैसे मैंने कहा, इन जॉर्जिया. बहुत मजे की बात है जो बहुत कम लोगों को पता है, स्टालिन वॉज फ्रॉम अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफ जॉर्जियंस. ही वॉज नॉट अ रशियन बट ही रूल रशिया. शायद रूसियों को यह मालूम भी नहीं होगा कि ये भाई जॉर्जिया के हैं. सो ही वॉज नॉट अ रशियन, ही वॉज एक्चुअली अ जॉर्जियन, जैसा कि आपने अभी चित्रों में देखा. तो जॉर्जिया बहुत ही छोटा राज्य है साथियों. ओवरऑल जॉर्जिया बीइंग अ वेरी स्मॉल एंटिटी, दिस हिस्टोरिकल फैक्ट सीम्स वेरी एनोमलस एंड वेरी वेरी क्यूरियस ट्रिविया. अब तो ट्रिविया ही है, निकल गए सोवियत संघ के तो लोग. अर्ली ईयर्स की बात करते हैं साथियों. बहुत ही रंगीन कैरेक्टर इनका है, और ये बेसिकली एक अपराधी थे. जी, ही वॉज वेरी पुअर इनिशियली, बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन अ प्लेस कॉल्ड गोरी इन जॉर्जिया, और तब वो रूसी साम्राज्य के तहत आता था. यू हैड द रोमानोव डायनेस्टी रूलिंग रशिया फॉर मेनी मेनी सेंचुरीज, और जो आखिरी सम्राट थे निकोलस रोमानोव द्वितीय जो थे, सेकेंड जार, CZAR, द जार्स ऑफ रशिया, वो काफ़ी कमज़ोर शासक थे. वो MRSDP से जुड़ गया स्टालिन बहुत कम उम्र में ही. मार्क्सिस्ट रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, मार्क्सवादी रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक, समाजवादी मार्क्सवादी लोकतांत्रिक, कुछ और बचता तो वो भी लगा लेते भाई, MRSDP पार्टी से जुड़ गया, जो लेनिन के द्वारा चलाई जा रही थी. अब आप इससे मजे की बात देखिए, उस वक्त वो एक एडिटर भी था, इनकी प्रावदा मैगजीन आती थी ना, USSR भी तब प्रावदा छापता था, वहाँ की सारी न्यूज़ प्रावदा के थ्रू आती थी. जिस प्रकार चीन का अपना ग्लोबल टाइम्स है जिसका एक ही काम है सुबह शाम भारत को गालियाँ देते रहो, उसी तरह प्रावदा भी इसका माउथ पीस हुआ करता था. एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको, दे वर वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया बाय द वे. एंड ही अलाइन विद व्लादिमीर लेनिन्स बोल्शेविक्स. तो तब बोल्शेविक वर्सेस मेंशेविक दो गुट हुआ करते थे. तो ये भाई साहब जो है लेनिन साहब के बोल्शेविक, जिसका मतलब होता है मेजॉरिटी, और मेंशेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी, जबकि एक्चुअली व्लादिमीर लेनिन का गुट माइनॉरिटी में था, कि वो इतना चतुर आदमी था उसने अपने लिए नाम बोल्शेविक लिया था. तो ये बोल्शेविक फैक्शन से स्टालिन लेनिन के बोल्शेविक फैक्शन के साथ में जुड़ गया.
तो बोल्शेविक्स कौन थे? रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट, क्रांतिकारी मार्क्सवादी, कि हम अभी बदलाव लाएंगे और एक छोटे से क्रांतिकारी गुट के साथ काम करेंगे। हिंसा से इन्हें कोई परहेज नहीं हुआ करता था। लेकिन जो मेंशेविक्स थे उसका नेता मार्तोव था, तो यू हैड लेनिन वर्सेस मार्तोव। तो ये पूरी जो MRSDP थी इसके अंदर दो गुट थे, द बोल्शेविक्स एंड द मेंशेविक्स, लेनिन वर्सेस मार्तोव। तो ये भाई साहब जोसेफ स्टालिन थे, इन्होंने बिल्कुल साफ देख लिया था कि इनके टेम्परामेंट को सूट होता हुआ ये बोल्शेविक का खेल है, वो उनके साथ अलाइन हो गए। जो मार्तोव थे यानी मेंशेविक जो लोग थे, ये दोनों टर्म्स आपको अक्सर पढ़ते समय दिखाई देंगी, उनका कहना था कि सोशलिज्म शुड कम ग्रेजुअली, जल्दी क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप लाएंगे, इलेक्शन से करेंगे, मास बेस बनाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। लेनिन को ये मंजूर नहीं था। लेनिन वॉन्टेड कम्युनिज्म नाउ, नॉट टुमारो, नॉट आफ्टर ब्रेकफास्ट, सो टू से। ओके, तो ये हो गई मार्तोव की कहानी। तो ग्रेजुअलिस्ट वर्सेस इमीडिएट वाले। स्टालिन एक अपराधी था। लेनिन की पार्टी को पैसा देने के लिए, फंडिंग के लिए स्टालिन किडनैपिंग्स करता था, डाके डालता था, चोरियां करता था। ये है स्टालिन की कहानी। तो इस तरह से स्टालिन बड़े क्रांतिवीर बन गए और एक अपराधी धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अब बात करते हैं राइज टू पावर। साथियों, मैंने आपसे कहा निकोलस रोमानो द लास्ट डायनेस्टी ऑफ रशिया बड़ी कमजोर थी। अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में हो गया। वी नो वेरी वेल दैट द ज़ार निकोलस रोमानो कुड नॉट होल्ड ऑन टू पावर। काफ़ी बड़ा उनका रोमानो का कई सदियों का शासन सोवियत संघ पे रहा था, रूस पे रहा था, सॉरी, सोवियत संघ तो बाद में बना। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये लोग बड़े लेट हो गए, इस वजह से देयर वाज अ ह्यूज गैप इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप एंड रशियन, एंड दैट बिकेम वेरी अपेरेंट विद एवरी पासिंग ईयर। तो निकोलस रोमानोव सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1914, 1915, 1916 में एज रशिया स्टार्टेड लूजिंग, ही ग्रेजुअली लॉस्ट पावर। और वैसे भी वो काफ़ी कमजोर शासक था। फिर वो रास्पुतिन की एंट्री वगैरह चीज़ों ने काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स किया एंड अल्टीमेटली इट कोलैप्स। ये पूरी रोमानोव डायनेस्टी का कोलैप्स हो गया। पूरे परिवार को कम्युनिस्टों ने रात को 1:30 बजे कमरे में भून डाला। उस पर निकोलस एंड अलेक्जेंडर नाम के हॉलीवुड की बड़ी शानदार बायोपिक मूवी है, मौका मिले तो देखिएगा। सो कम्युनिस्ट शॉट देम ऑल, ये समझ में आ गया आपको। अब जब ये निकोलस रोमानोव डायनेस्टी समाप्त हो गई और लेनिन के हाथ में पूरी सत्ता अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद हाथ में आ गई, सो लेनिन इमीडिएटली स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग द होल सिस्टम फ्रॉम दैट अर्लियर इंपीरियल सिस्टम टू द न्यू कम्युनिस्ट सिस्टम। तो लेनिन ने क्या किया, रशियन सोवियत रिपब्लिक का गठन किया 1917 में, जो 1922 तक रहा। सोवियत का बेसिक मतलब होता है वर्कर्स कमिटी। ये जो वर्ड है सोवियत, इसका मतलब होता है द कमिटी ऑफ द वर्कर्स, यानी कर्मचारियों की समिति। तो कर्मचारी कौन, वर्कर्स एज इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर होते थे, क्योंकि कहा ही था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। तो इनकी इमेजरी में ये बहुत, इट्स अ लीट मोटिव, इट कीप्स रिकरिंग दिस थीम, इट कीप्स रिकरिंग। तो साथियों, और ये 1917 से 1922 तक रहा और उसके बाद में इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ये जो पूरा रशियन सोवियत रिपब्लिक था, 22 के बाद तो आपको पता ही है सोवियत संघ, द यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक जो बना, रशिया बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट एज वन ऑफ द बिगेस्ट रिपब्लिक्स इन दैट, पेट्रोलियम उत्पादन वगैरह में सबसे आगे। 91 के बाद ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन गया। रशियन सिविल वॉर शुरू हुआ 1917 से 1922 तक, क्योंकि तब रूस में जैसे ही ये इंपीरियल, एक पुराना शासन टूटता है, नए लोग आते हैं, तो चार पांच लोग आपस में कंपीट करते हैं कि शासन कौन करेगा। तो 1917 टू 1922, 17 से 22 तक जो गृह युद्ध चला, उसमें एक तरफ लेनिन था, रेड आर्मी थी, स्टालिन था, और दूसरी तरफ सो कॉल्ड व्हाइट आर्मी थी, बाकी के सारे गुट, उसमें कैपिटलिस्ट आ गए, दूसरे लोग आ गए। अल्टीमेटली स्टालिन, लेनिन एंड द बोल्शेविक्स प्रिवेल्ड एंड फाइनली द व्हाइट आर्मी, सो कॉल्ड व्हाइट आर्मी वॉज डिफीटेड। अब लेनिन स्टालिन को बहुत अच्छे से समझ गया था और लेनिन ने बहुत पहले ये समझ लिया था कि इस आदमी के हाथ में तो सत्ता जाने देनी नहीं है। बट डिस्पाइट ऑल द रेजिस्टेंस फ्रॉम लेनिन, व्हेन लेनिन डाइड रिलेटिवली अर्ली इन 1924, स्टालिन इमीडिएटली स्टार्टेड एलिमिनेटिंग ऑल हिज कॉम्पिटिशन। तब स्टालिन को समझ में आ गया कि 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद अब यह मौका है जब वो यहां का एक छत्र राजा बन सकता था। एक 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 करके जितने कॉम्पिटिटर्स कम्युनिस्ट पार्टी में उसके हो सकते थे, और ये ग्लोबली चला नरसंहार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, पूछिए ही मत। बाय 1927 स्टालिन हैड ऑल द पावर इन हिज हैंड एंड ही वाज सुप्रीम। He replaced Lenin's new economic policy by a completely new 5-year planning policy. Stalin ने सबसे पहला काम यह किया, लेनिन ने जो नव आर्थिक नीति लाई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, स्टालिन रिमूव्ड ऑल दैट एंड रिप्लेस्ड इट बाय अ सेंट्रलाइज्ड कमांड इकोनॉमी। साथियों याद रखें, 1951 के बाद इंडिया आल्सो अडॉप्टेड द 5-year प्लानिंग मॉडल ऑफ सोवियत यूनियन, विच रियली हेल्प इंडिया फॉर 30 to 40 years
till the realities of an LPG-dominated economy totally change. Globalized world mein wo mushkil ho gaya five-year plan, isliye ultimately wo collapse bhi hone shuru hue the dheere-dheere, lekin initially model hamara bhi wahin se aaya tha. Ab baat karte hain 1930s ki, ab Stalin ki satta shuru ho gayi hai. Stalin's economic policy kya thi? Command economy, sab kuch central plan hoga, industrialization hoga, collectivization hoga. Saathiyon, jab aap centralization karte hain, rapid industrialization, audyogikikaran karte hain aur collectivization karte hain, yani sari krishi ek saath hogi, state owns all the agriculture production. इतिहास की तारीख इस बात की गवाह है कि जिस जिस देश ने एग्रीकल्चरल कलेक्टिवाइजेशन किया है लाखों लोग वहां भूख से मरे हैं. ये 1930s में यूक्रेन में हुआ जो सोवियत संघ का हिस्सा था, और 1950s में चाइना में माओ के अंडर भी हुआ. एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इज आल्सो प्रेडिक्टेबल. द रूलर सप्रेसेस, लाखों लोगों को मार डालता है. तो अब आते हैं कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की. इन्होंने फाइव ईयर प्लान इनिशिएट किए, लेकिन एग्री कलेक्टिवाइजेशन एज आई सेड, कृषि का संयुक्तिकरण, किसानों के हाथ में जमीन नहीं रहती है. किसानों को बोला जाता तुम्हें इतना प्रोडक्शन करके देना है. यूक्रेन वॉज द फूड ग्रेन बास्केट ऑफ सोवियत यूनियन, एंड द यूक्रेनियन फार्मर्स वर गिवन अ ह्यूज टारगेट, इतना कृषि का उत्पादन लाओ, इतना लाओ. उतना ही नहीं सकता था वो, सारा का सारा सरकार के ट्रक और अधिकारी उठा के ले जाते थे. वहां के किसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था, तो वो रात को चोरी छुपे खेतों में जाके छोटे छोटे ऐसे अनाज उठा के लाते थे कि घर पे जाके कुछ बनाए, उनको देखती गोली मार दी जाती थी. इमेजिन. तो ये जो मैस फेमिन हुआ, वृहद स्तर पर जो अकाल पड़ गया, जबकि प्रोडक्शन हो रहा था 1932-1933 में यूक्रेन में सबसे ज़्यादा हुआ, उसको यूक्रेनियन भाषा में होलोदोमोर भी कहते हैं. साथियों, हम जो चित्र आपको दिखा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कितने भयानक चित्र हैं. और यही होलोदोमोर यूक्रेन का 1950 के दशक में चीन में भी हुआ. विभिन्न चित्रों से आप इसे आराम से देखेंगे, समझेंगे कि ये कितना भयानक होता है एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन, क्योंकि ऊपर से नीचे तक झूठ चलता है. तो जब ये हुआ, लोग उसके खिलाफ भड़कने लग गए स्टालिन के. तो मैंने आपसे क्या कहा, दमन. Then came the great purge. The great purge, महान सफाई, यानी थाएं. जितनों से भी स्टालिन को लगा कि ये मेरे विरोध में जा सकते हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के या तो गुलाग्स, गुलाग यानी रिमोट प्रिजन कैंप, साइबेरिया में प्रिजन कैंप जिसकी बाउंड्री वॉल ही नहीं होती थी, 1000 मील तक बर्फ है, भागेगा तू कहां तक भाई, या सीधे सीधे गोली मारना, या एक्सट्रीम लेबर करवाना. और ऐसा करके उसने एक एक करके जो अपना ये पर्ज चालू किया, 1934, 35, 36, 37, 38, 39 ग्रेट पर्ज में लाखों लोगों को मार डाला, गुलागों में भेज भेज के मार डाला. ये कहानी रही स्टालिन की, और ये बाकी डिक्टेटर्स के लिए बड़ा रोल मॉडल बन गया. माओ ने यही चीज़ यूज़ की इन द ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ 1960s. डेंग शियाओपिंग, जिसने मॉडर्न चाइना को बनाया है, उसको सड़कों पर पीटा गया था माओ के लोगों के द्वारा. तो इतिहास में अजीब और गरीब मोड़ है. नाउ Stalin knew very well that he has to take communism international. Socialism should be international. He started an organization, he was the main force behind an organization called Communist International, yani Samyavadi Antarrashtriya, to promote Marxism, Leninism abroad. Marxvad aur Leninvad sari duniya mein phaile, aur Fasivad aur Nazivad ko hum daba dein. Fasivad jo Italy se, Spain se nikalne ki koshish kar raha tha, aur Nazivad, Hitler ki kahani humne padhi, usko dabane ke liye. To ye Communist International ki sthapna ki, halanki ye bahut successful nahi ho paya. He was anti-fascist, तो इसलिए उसने ग्रेट स्पेनिश वॉर में भी हिस्सा लिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे हिटलर के साथ उसकी दोस्ती हो गई. यू नो वेरी वेल, हमने बात की थी स्टालिन हिटलर नॉन एग्रेशन पैक्ट, और हिटलर और स्टालिन ने गुपचुप पर्दे के पीछे ये संधि कर ली, हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे. ऑल द कम्युनिज्म ऑफ स्टालिन एंड द नाजीज्म ऑफ हिटलर, दे वर टोटली अगेंस्ट ईच अदर. हिटलर यूज टू हेट कम्युनिस्ट, और उन सबको कुचलते हुए हिटलर भी आगे बढ़ा था, और ये नाजियों से भारी नफरत करता था, लेकिन दोस्ती हो गई. उन्होंने कहा पोलैंड को हम आधा आधा बांट लेंगे, पिज्जा का टुकड़ा आधा आधा बांट लेंगे. और पोलैंड पर हमला किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ. यह आप अच्छे से पूरी कहानी जानते हैं. साथियों, अब बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर वेपन्स की, और स्टालिन की मृत्यु की, और इसको कंप्लीट करते हैं हमारे ग्रेट डिक्टेटर्स ऑफ हिस्ट्री में, ग्रेटेस्ट डिक्टेटर्स में स्टालिन की कहानी को. हिटलर ने यूएसएसआर पे आक्रमण कर दिया. हिटलर ने बिल्कुल नहीं सोचा था दैट इफ ही अटैक सोवियत यूनियन इन 1941 देन स्टालिन विल बी रियली एबल टू रेजिस्ट हिम. बट स्टालिन हैड ग्रेटली इंडस्ट्रियलाइज्ड हिज कंट्री इन द मीन टाइम, एंड हिटलर हैड अंडर एस्टिमेटेड स्टालिन्स रिजॉल्व, हिज ग्रिट, हिज क्रूएल्टी, हिज इंडस्ट्रियलाइजेशन, हिज मिलिटराइजेशन. साथियों, स्टालिन की क्रूरता इतनी भयंकर थी कि सैनिकों को यह आदेश था दैट नोबडी विल अबैंडन देयर पोस्ट. इस वजह से नाजियों को पसीने छूट गए आगे बढ़ने में,
और सोवियत्स खुद को मरने देने रहे, लेकिन पीछे हटने के आदेश उनको नहीं थे। स्टालिन की क्रूरता का आलम उस वक्त ये था। इन द फेस ऑफ श्योर डेथ यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, ये कहानी थी। वो लंबी चौड़ी कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, उस पर हम अलग से बात करेंगे। सोवियत रेड आर्मी फाइनली डिफीटेड, हमने बात की थी एडोल्फ हिटलर वाले सेशन में, और वो बर्लिन में घुस गई और उसने एक मरे हुए एडोल्फ हिटलर की बॉडी को वहां से प्राप्त किया। यह कहानी थी एडोल्फ हिटलर की सुसाइड की और रेड आर्मी यानी कि सोवियत आर्मी की बर्लिन में एंट्री की। एंड द मोमेंट सोवियत एंटर्ड बर्लिन, अब स्थिति यह थी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड एंटर हो गया। सोवियत्स हैड बिकम ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ द एक्सिस पावर्स, यूएस कैपिटल स्टेट, यूके कैपिटल स्टेट, फ्रांस कैपिटल स्टेट, बट दे नेवर कुड बी फ्रेंड्स, राइट? इसीलिए जर्मनी के दो फाड़ हो गए, वेस्ट जर्मनी वर्सेस ईस्ट जर्मनी। बर्लिन की दीवार बन गई और इन दो के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति अब आने वाली थी। तो स्टालिन ने सबसे पहला काम यह किया कि यह मौका सही है, उसने सारे बाल्टिक स्टेट्स को तुरंत अनेक्स कर लिया। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, आपने मैप में अभी देखा, लातविया हो, लिथुआनिया हो, एस्टोनिया हो, ये सारे बाल्टिक स्टेट्स हैं। स्टालिन ने इमीडिएटली इनको पकड़ लिया। यूएस एंड यूएसएसआर आफ्टर 1945, सारी दुनिया को ये समझ में आ गया, इंडिया को भी समझ में आ गया था 1950 में, दीज आर दी ओनली टू सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड नाउ, यही दो ही विश्व की बड़ी शक्तियां होंगी। और 1950 से कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें गोलियां तो नहीं चलती थी, पर्दे के पीछे हत्याएं होती रहती थी। 1950 से 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स तक ये शीत युद्ध चलता रहा। स्टालिन क्विकली स्प्रेड कम्युनिज्म थ्रू आउट ईस्टर्न यूरोप। स्टालिन को यह समझ में आ गया था कि मुझे साम्यवाद को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा फैलाते जाना है, और उसने पूरी ताकत से पूर्वी यूरोप में, आप नक्शे में देख रहे हैं 1940 की क्या स्थिति थी और उसके बाद 1950-60-70 की क्या स्थिति है, कितने सारे राज्य यूरोप के एक एक करके सारे कम्युनिस्ट हो गए, आपने मैप में अभी देखा। चीन के साथ भी इसने अंततः माओ के साथ दोस्ती की, ऑल्दो ओरिजिनली ही थॉट दैट माओ इज वेरी वेरी वीक, और उसने कहा कि तुम केएमटी के साथ हाथ मिला लो, बट फाइनली माओ बड़ा शातिर आदमी था, उसने हराई दिया केएमटी को, केएमटी भाग के ताइवान बनाया और माओ के हाथ में आया, तो दोनों के बीच में दोस्ती भी तब हुई थी। युगोस्लाविया को छोड़कर सबके सब स्टालिन के सामने सरेंडर कर चुके थे। युगोस्लाविया, जोसेफ ब्रॉस टीटो, फ्रेंड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, फाउंडर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट वॉज एन एस, इट वॉज द ट्रम्प कार्ड ऑफ इंडिया, इंडिया एंड युगोस्लाविया एंड अदर नेशन, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन चालू किया कि हम ना अमेरिका के साथ हैं, ना हम सोवियत संघ के साथ हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के साथ क्यों जाए, फैंटेस्टिक मूव, नॉन अलाइन मूवमेंट। साथियों, स्टालिन ने तुरंत 1940 न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि विदाउट दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्टैंड इन दिस रेस अगेंस्ट अमेरिका। और स्टालिन तेजी से उसके ऊपर काम करता चला गया, लेकिन फिर से एक बहुत बड़ी फैमिन आई और उसका दमनकारी चक्र फिर से चलता रहा। अंततः 1953 में सेरिब्रल हेमरेज से स्टालिन की रहस्यमयी स्थितियों में 74 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। उसका एक आरोप लेवरेंटाई बेरिया पे गया, जो उसकी सीक्रेट सर्विस एनकेवीडी, जो भयंकर हत्याएं करने के लिए जानी जाती थी, उसके लिए लेवरेंटाई बेरिया को भी दोषी माना गया, लेकिन वो एक इतिहास का बंद चैप्टर है। इमीडिएटली स्टालिन वॉज रिप्लेस बाय द कम्युनिस्ट पार्टीज जनरल सेक्रेटरी निकिता ख्रुश्चेव, हु वॉज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ इंडिया। ख्रुश्चेव ने आते ही स्टालिन की कड़ी निंदा की कि ये एक हत्यारा था और ये दमनकारी तानाशाह था, एंड सोवियत यूनियन विल नाउ बिगिन अ प्रोसेस ऑफ डी स्टालिनाइजेशन। इमेजिन, स्टालिन को भर भर के गालियां पड़ी और डी स्टालिनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई। अंततः 1991 में सोवियत संघ का कोलैप्स हुआ, बोरिस येल्सिन के हाथ में सत्ता आई, लोकतंत्र की स्थापना हुई, पर वो कभी हो नहीं सकी, और आज पुतिन साहब के नेतृत्व में एक अलग प्रकार का रूस दुनिया के सामने है। तो साथियों, ये थी कहानी जोसेफ विसारी योनोविच स्टालिन यानी जुगाशविली की, जो जॉर्जिया के एक गरीब परिवार में जन्मा और जिसने सोवियत संघ पर एक छत्र साम्राज्य किया, लाखों लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।